पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे अपने मन को अमन रखना है, ना कि दमन रखना है। तो आज हम इन चीजों को समझेंगे आज के ही वरदान में, क्योंकि हम कभी कभी अपने मन को सप्रेस करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने मन को आप पॉजिटिव रखो मुझसे जुड़ करके, लेकिन सप्रेस मत करो। तो मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं मन को अमन करने के लिए कि मन मेरे कंट्रोल में आ जाए, मन इधर उधर ना भागे, मैं सांसों के ऊपर फोकस करूं, जो भी क्रियाएं कर रहा हूं मैं उनके ऊपर फोकस हो मेरा सारा, तो ताकि दूसरी तरफ से हमारी बुद्धि अलग हो जाए, वहां हमारी बुद्धि ना भटके, काम में ना बुद्धि भटके, हमारे जो भी रिश्ते संबंधी हैं वहां पर बुद्धि ना जाए। तो कुछ समय के लिए मेरा सारा का सारा ध्यान मेरे शरीर की सांसों के ऊपर हो, प्राणायाम पर हो। तो परमात्मा कहते हैं आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, और हम क्या करते हैं, हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें क्या होता है, हम आत्माएं अपने मन और बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाते हैं, उनके ज्ञान की तरफ लगाते हैं, उनकी दी हुई विद्या की तरफ लगाते हैं, उनके साथ संबंध जोड़ते हैं, उनसे प्यारी बातें करते हैं। बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, मन को सप्रेस नहीं किया, है ना, कि नहीं मत उधर मत सोचो, इसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत सोचो। तो फोकस को हमने परमात्मा के ऊपर लगाया, और मन है ही ऐसा एक शक्तिशाली यंत्र कहें, जो कि अगर आप उसको काम ना दें तो वो इधर से उधर भागना शुरू करता है। उसको आपको गाइड करना पड़ेगा, नहीं ये मत सोचो वो सोचो, उसको आपको चॉइस देनी पड़ेगी। तो ये चॉइस देते 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 हम परमात्मा के साथ में अपना मन संपूर्ण लगा दें, और उसके बाद में परमात्मा ही हमें अंत में याद आए, ताकि हमारा मुक्ति में जाना फिक्स हो जाए। लेकिन अगर हम सांसों के ऊपर फोकस करेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि परमात्मा याद आएगा। सांसों पर फोकस करना से परमात्मा याद नहीं आता है, इस कारण से मुक्ति में जाना हमारा पॉसिबल नहीं होता है। तो अंत मति सुगति, अंत में परमात्मा याद आए, कहते ना अंत में मुख में राम राम हो, लेकिन कौन सा राम, रामचंद्र जी नहीं, रामा मतलब कि परमपिता परमात्मा हो हमारे मुख में। परमात्मा कहते हैं मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। तो परमात्मा की याद में सुमन बना दिया, दमन नहीं किया, सप्रेस नहीं किया हमने। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, पॉजिटिव है। मन का भटकना बंद ही हो गया, ठिकाना मिल गया। आज हम जो भी प्राणायाम सीखते हैं या और कोई मेडिटेशन सीखते हैं, या तो हम सांसों पे फोकस करते हैं, या किसी चीज पे फोकस करते हैं, या हम किसी और वस्तु पे फोकस करते हैं, या किसी भगवान की मूर्ति पे फोकस करते हैं। परमात्मा कहते हैं वो ध्यान जो है वो राजयोग विद्या नहीं है, क्योंकि राजयोग विद्या है सूक्ष्म को याद करने की और सूक्ष्म में जाने की, मतलब कि शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाने की, वो विद्या सबसे सूक्ष्म विद्या है। लेकिन और बाकी जितनी भी मेडिटेशंस हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको कलर थेरेपी, या तो आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देने की फोकस करते हैं, या आपकी सांसों पर ध्यान करने की फोकस करते हैं, तो वो क्रियाएँ जो होती हैं वो आपको मुक्ति नहीं दिलवाती हैं, क्योंकि जो ध्यान विद्या है, मेडिटेशन जो है, वो राजयोग उस शब्द से निकला है। तो उसका अर्थ ही है कि अब अपने मन बुद्धि का राजा बन करके मुझे इस शरीर से अपने आप को मुक्त करके ऊपर चले जाना है, क्योंकि धरती पर आए, पांच तत्वों के शरीर ने हमें खिलाया डुलाया पिलाया, और अब ये ही हमारा मालिक बन गया। तो परमात्मा कहते हैं अगर ये तुम्हारा मालिक है तो ये तुम्हें जाने नहीं देगा, ऊपर मुक्त करने नहीं देगा, तो ये माया बन जाएगा। तो इसको अपने कब्जे में लो, आंखों को, कान नाक मुख को, ये पांच घोड़ों को जो कि रथ दिखाया गया महाभारत में, इन पांच घोड़ों को अपने कब्जे में लो, तब जाकर के तुम मुझसे जुड़ सकते हो और लास्ट में शरीर छोड़ करके मेरे पास आ सकते हो। फिर परमात्मा कहते हैं आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी, क्योंकि हमें आदि, हम आदि में क्या थे, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अभी ब्राह्मण, तो दूरादेशी बन गए, विशाल बुद्धि बन गए, है ना, हमें इतना पता चल गया कि औरों के बारे में भी हम सोच सकते हैं, ये कौन से धर्म की आत्मा होगी, इसका क्या भाग्य होगा, ये कब आई होगी आत्मा, इसका पुरुषार्थ कैसा है, विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए।
जब विशाल बुद्धि होती है तो क्या होता है, हम अपने आप को और जो व्यर्थ की बातें हैं उसमें ना डाल करके हम समर्थ बातों में, परमात्मा के ज्ञान की बातों में अपने आप को रमण करते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर परमात्मा की याद रहती है और हम मुक्ति के लिए सदा ही तैयार रहते हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो इस विद्या को सीखने के लिए, राजयोग विद्या को सीखने के लिए, जो कि बहुत ही सीरियस विद्या है, अंतिम काल में, कलयुग के अंत में परमात्मा के जो हमें सिखाते हैं उसको सीखने के लिए आप भी ब्रह्म कुमारी इसमें चक्कर लगाएं और वहां पर जाकर के इस ज्ञान को समझें और अपने 84 के चक्र के ज्ञान को समझें कि आप थे क्या पिछले जन्मों में। हे अर्जुन, तुम अपने पिछले जन्मों को जानते नहीं हो। शांति के साथ।